और सुखी चले ये अपनी गाड़ी है गंदी और रखी रात को बीसी ढाबे पे आए थे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है ये अपना है शिव भोजनालय मौसम बहुत सही हो रखा है बॉयलर कर दोगे नहीं एक ही जगह कुछ अंडे नहीं मैं खा लूंगा ना और क्या फिर पराठे खाएगा अकेला सागर दोस्त है वो आठ खाते अरे तू बता बैठे कहाँ बैठे पाजी इसके साथ अंडे के साथ तूने क्या बताया तू खाएगा मेरा पेट नहीं है हाँ उसके अलावा भी तो कुछ होगा ना अपने पास पराठा कितने का है 40 चलो वही खा लेते हैं फिर पराठा कर देना इसे एक कर देना अच्छा लगेगा और खाएंगे फिर ठीक है भैया ये अपना ब्रेकफास्ट है देख सकते हो एक परोठा है सही है दाल है ना 40 रुपए का है मेरा और इसने 4 अंडे किए हैं वो भी 40 के ही हैं अभी ब्रेकफास्ट किया है और इसका 140 आया है जिसमें 2 परोठे थे 4 अंडे थे मैं दूर से चमेरा लेक दिखा देता हूँ क्या व्यू है यहाँ से पीछे वो देख रहे हो वो चमेरा लेक है व्यू आपका ये है सो बहुत सही है आगे का अपडेट मैं आपको वहां पे पहुंच के दूंगा कुछ 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से चमेरा लेक पहुंच गए यहाँ पे फूल तोड़ना मना है लिखा भी है ये हमारे बैटरी भाई बैटरी नहीं बोलने का इसको क्लीन तो है काफी नीट एंड क्लीन आगे लेक है पाजी बोट के लिए अपना नीचे ही स्टार्ट हो गई है ना स्पीड बोट देखे कपल्स के लिए 1350 है फिर मोटर बोट की पर पर्सन है 350 30 मिनट की और 50 मिनट की है 450 रेट थोड़ा महंगा है चलाएंगे ना तो हम बस बैठेंगे कपल्स भी नहीं है कपल्स होते तो भी बैठते क्या करना है पागल है क्या थोड़ा कॉस्टली हो रहा है बजट से बाहर हो जाएगा तो सोच रहे हैं करें या ना करें थोड़ा मुश्किल तो है आज का व्यू चमेरा लेक का लगता है इतना ही है बोटिंग फिश कर रहे हैं फिलहाल बट मैंने आपको रेट वगैरह बता दिए हैं नहीं यार ठीक नहीं लग रहा अपना बजट क्रॉस हो जाएगा बट और थोड़ी ज्यादा महंगी है हाँ हम खुद नहीं चला सकते हम लोगों को दोनों को बैठना होगा वाटरफॉल दिखाता हूँ आप लोगों को गजब का वाटरफॉल है आप भी कहोगे वाह ये अपना वाटरफॉल है मैं आगे से दिखाता हूँ आपको बहुत बड़ा वाटरफॉल है हम भी हैरान हो गए देख के क्या कहता है कितना बड़ा है बहुत ज्यादा ही बड़ा है अभी रूम दिखा देता हूँ ये कर्टन ये डोर हमारा ये सुकड़ू लेटा हुआ ये बेड है थोड़ा गंदा हो रखा है टीवी शीवी पीछे कबर्ड वगैरह एंड वॉशरूम दिखा देता हूँ वॉशरूम ठीक है क्लीन है और साफ सुथरा है हमने 2 दिन के लिए बुकिंग करी है 1300 के अराउंड हमें ये 2 दिन के लिए पड़ा है तो ठीक है ज्यादा महंगा नहीं है 2 जनों के हिसाब से तो 350 पर डे के हिसाब से अपने को लगाइए तो ठीक है स्टे के लिए नाम है अपना जेके इम्पीरियल ओयो के थ्रू भी बुक कर सकते हो और MMT के थ्रू अभी बीच में स्टे किया है खजियार से पहले 15 किलोमीटर बचा है और देख रहे होगे पीछे बर्फ आ गई है तो हमने सोचा एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम चले थे होटल से तो वहां से 30 किलोमीटर था यहाँ से 15 किलोमीटर आगे आपका खजियार शुरू होगा जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बर्फ होगी तो और इसे देखो खेल रहा है ये व्यू देखिए एक बार यहाँ का क्या मस्त है अगड़ा व्यू है इसी के लिए बस ट्रैवलिंग होती है ऐसा व्यू मिलता रहता है अपने को चला जाएगा मस्त मस्त अभी आगे निकलते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर है 1 घंटा शायद और लग जाएगा तो उसके बाद बताते हैं वहाँ पहुँच के कि आपको कैसा रहा मौसम
मौसम देख रहे हो तो बड़ा सही है, अपना आई थोड़ा स्लिपरी है, हम शूज भी वैसे पहन के नहीं आए हैं। खजियार जा रहे हैं तो जरूर देखिए, बीच में रुकिए एक बार। खेले क्या इससे? मारता हूँ मैं तेरे को, तू मार खाइयो मेरे से। मारियो मत, बहुत तेज लगेगी ये। बरसात के मौसम आते आजकल। और यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह क्या है? और सही है भैया, घूमने के लिए बाकी तो कुछ ऐसे खरगोश के साथ फोटो खिंचा सकते, फोटो वगैरह बाकी जोर में लगी हुई है, उसका 500 है। अच्छा वो कौन सी, वो बॉल? हाँ बॉल भी लगी, बाकी हिल पहाड़ी से टॉपिंग है। पैराग्लाइडिंग? हाँ पैराग्लाइडिंग करते हैं, 3-4 किलोमीटर नीचे गांव में लेके जाते हैं। पैराग्लाइडिंग हाँ सर, अभी होती है? अभी होते हैं। कितने रुपए? रुपए वगैरह क्या है भैया? 1500 की है, 2000 की है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जो 1500 वाली है मंदिर आगे वहाँ पे लैंड कर देंगे, जो 2000 वाली है 3 किलोमीटर नीचे गाँव में लेके जाएंगे, वहाँ से वापसी इतने छोड़ेंगे, गाड़ी आना जाना इंक्लूड खर्चा रहता हूँ। अच्छा अच्छा, एक बॉल हो गया, पैराग्लाइडिंग होगी, एक रैबिट हो गया, और क्या स्पोर्ट्स है? बड़े लोगों के लिए, वो तो बच्चों के लिए होगा। ये तो बच्चों के लिए, बाकी हॉर्स राइडिंग है। अच्छा हॉर्स राइडिंग है, क्या रेट होगा उसका? 300 भी है, 500 भी है, आधा घंटा एक घंटा, 1500 भी है। जैसे ऐसे पूरा राउंड लगाएंगे आपको, यहाँ से बैठाएंगे नीचे से, पूरा चारों तरफ से उधर छोड़ेंगे सामने। अच्छा उस साइड, हाँ उस साइड छोड़ेंगे, उसका 400 रुपया आपका, बाकी यहाँ से गाँव में लेके जाते हैं उसका 1500 रुपये। अच्छा अच्छा, ये नेचुरल है अपना? ये नेचुरल है भैया, अच्छा नेचुरल है, नेचुरल है, नागदेव मंदिर है। हाँ। इसकी वजह से बनी हुई है मंदिर, हिस्ट्री लिखी हुई 800 साल पुरानी, ये पूरा नेचुरल है मंदिर। कौन नेचुरल? अच्छा। ये जो काले पत्थर वाले। अच्छा अच्छा, 800 साल पुराना ही है। आर्मी भी है? आर्मी तो नहीं भैया, पीछे से लकड़ मंडी अपने जैसा है, वैसा है लकड़ मंडी। हाँ कालाटोप। और वो वहाँ गाड़ी कैसे पहुँच गई इतनी दूर? ये भैया ये यहाँ से डर ने। अच्छा वहाँ गाड़ी ले जाओ, पास ही पड़ जाएगा आपको। नहीं पर ये बेटर है, ऐसे जाएंगे तो उतना ठीक है। यहाँ पे ट्रैकिंग है? कितने किलोमीटर की होगी? अच्छा जब हम चल रहे हैं नॉर्मल, ऐसे नहीं है कि हम यहाँ से ऊपर तक एक ट्रैक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी रात भी रुक सकते हैं? रात भी रुकने का, स्टे का भी कुछ होता है? कैंपिंग का अलग है। अच्छा कैंपिंग का अलग है। कालाटॉप पहुंच गए हैं और आपको एरिया थोड़ा दिखा देता हूं एक बार। ये अपना थोड़ा सा साइड में ही है खजियार से और काफी अच्छा है। एंट्री के टाइम पे 250 की टिकट है बाय कार, और बाय फुट भी आप आ सकते हो, तो उसमें आपको एंट्री टिकट 250 देनी नहीं पड़ेगी। तो प्रीफर तो मैं फुट का ही करूंगा, 2.5 किलोमीटर है तो अच्छा रहेगा। वो कार के साथ तो थोड़ा ऊबर खाबड़ है, रोड भी टूटा हुआ है, तो ट्रैकिंग ही ज्यादा बेस्ट रहेगी इसमें। आपको मैं एरिया दिखा देता हूं अभी, फिलहाल तो एक बार वॉशरूम चले जाते हैं, कुछ ज्यादा जोर से लगा हुआ है, उसके बाद आपको मैं पूरा एरिया दिखाता हूं। दोनों ने दान तो दे दिया है थोड़ा सा, अभी पीछे वॉशरूम है जो आप देख रहे हैं। अब याद नहीं, गिरते गिरते बच गया। हाँ। भाई ने बचा लिया सुकड़ू ने। व्यू काफी अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार आगे से। हैं कुछ लोग यहाँ से, एक ट्रैक जाता है अपना खजियार की तरफ, 12 किलोमीटर है, तो उसके लिए पूछा था तो वो कह रहे थे कि मॉर्निंग में ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इवनिंग तक अपना खत्म हो जाएगा। तो ट्रैक से भी आप खजियार जा सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ट्रैकिंग है तो 3-4 दिन अपना डलहौजी में ठीक है ट्रैक के लिए स्पेंड करिए आराम से। आपको काफी चीजें हैं यहाँ पे, मैं आपको इन दी एंड में बताऊंगा क्या क्या है। फिलहाल व्यू बहुत अच्छा है, अभी पकोड़े और चाय खाए थे तो काफी सर्दी हो रही है, तो उसमें गर्म चीज खा के बढ़िया बहुत सही लग रहा है। गर्मी आ गई थोड़ी सी, पर सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, अभी दैनकुंड का प्लान है, एक बार जाके देखेंगे, बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, तो फिर कल का प्लान करना पड़ेगा। चलो एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ वैसे आज शायद ही हो पाए।